पोपट हो गया ना, ऐसे बोल रहे आठ बजे आठ बजे नहीं वाली थी तब हमारा ब्रेकअप हो गया, पोपट हो गया, नाराज कर दिया, गोल तो वैक्सीन लगी भी नहीं उसने, पहले दुश्मन लगता है पर्सनल दुश्मन, वैक्सीन ने करा लपड़ा सिर्फ नाम का बोल रहे हो, पर वर्दी है नहीं इतनी, यहाँ इतनी तो नहीं है, देखते हैं अभी, हम तो ऑफलाइन, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। टर्न आ गया, अभी अपना ही टर्न है, जब कितनी भीड़ थी वहाँ तक बैठे थे लास्ट में, अभी आगे करते करते आगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में तो हमारा आ भी गया, देर भी नहीं लगी, फटाफट हो गया, वाले पाँच ऑफलाइन वाले पाँच, ऐसे करते करते कितनी भीड़ थी, अब देखो सारे के सारे जितने भी ये देखो जगह थी, जितनी देखो ये वाली सारी जगह खाली हो गई, ऑफलाइन वो वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों खाली, इतने इतने लोग बचे, इतने लोग बचे बस, बाकी तो पता मेरे को लगा था 7-5 बजे बंद हो जाता होगा, इसलिए हाँ 5 बजे क्लोज डाउन है, इसलिए फटाफट दे रहे सभी को, बाकी को तो भगा ही दे रहे, बोलते चलो चलो भग लो भग लो, कल आना ऐसे बोल रहे, आठ बजे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का बुकिंग स्लॉट सारे ख़त्म हो चुके हैं, ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट सारे ख़त्म हो चुके हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट वो बोल रहे हमारे हाथ में कुछ नहीं, गवर्नमेंट ये रेस्ट रूम है यहाँ पे वैक्सीनेशन लगती है, हमारा तो बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा, क्या बताऊँ, नो आइडिया, यहाँ बैठे थे सबसे आगे तक पोपट हो गया, ये ऑनलाइन वाले ऑनलाइन होने का फ़ायदा और ऑफलाइन ये पोपट हो गया यहाँ से, ओहो जब भाई बोला था ना जब नसीब में हो ना तब कुछ नहीं हो सकता है, नसीब में नहीं थी वैक्सीन लगाने तो कोई नहीं, बट मम्मी कह ही रही थी कि यार हमारा लग जाए बस हमारा ही टाइम है इनका ही लग जाए, पर यार नहीं लगा, नहीं हुआ, मम्मी की बात सही, कोई बात नहीं हम तो सहते आ रहे, सह लेंगे और इसी की तरह अभी पर वापस आना कब आएंगे नो आइडिया, प्यारी सी जगह को करते यहीं अलविदा और घर चलते, पता नहीं अब यहाँ पे कब आना होगा, कब आएंगे क्या पता, अभी तो घर चलते हैं और क्या पता क्या पापा यहाँ से ऑफिस जाएंगे, भाई ये वाली गाड़ी में और इस गाड़ी में मैं मम्मी को ले जाता हूँ, चल गुस्से में कितना तेज जा रहे हो, भैया इतने गुस्से में आ गए कि वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, उनका काम भी नहीं हुआ और अभी घर चलते मैं और मम्मी, चलो ये माता जी घर जाके मिलता हूँ, पोपट हो गया, नाराज कर दिया, अभी बजे कुछ 5, वो काम नहीं हुआ, थोड़ा डीमोटिवेट तो लगता है, बट ऐसा हुआ कि मम्मी ने बोला कि हे भगवान हमारा हो ना हो, वैसे तो उनका वैसे भी नहीं था, सेकंड डोज उनका ख़त्म हो चुका था, पर हम दोनों का हो जाए बस हो जाए, और वहीं से मैम ने आके बोला सॉरी 18+ फर्स्ट डोज ओवर, दर्द हुआ, बट मैंने यह कह दिया कि बोलते ना कि मन बहलाने के लिए, कि अपनी जगह पर सच में गरीब आता जिसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं आने का, वो हाजिरी कटती दिन की, उसके बदले हम आटे में आ गए, सेवा कर दी किसी की, माया में हमें तो खुशी रहना इनडायरेक्टली, वैक्सीन नहीं मिली तो एकदम सभी हम चारों सब डिमोटिवेट हो गए, पापा तो तुमने देखा वहाँ से ऑफिस चले गए, हम सो जाते, वही अच्छी है, उठते फिर मिलते, ये वैक्सीन के चक्कर में तो क्या क्या पापड़ बेले हमें पता है, यहाँ से वहाँ भटके, वहाँ से यहाँ भटके, फिर भी हाथ तो लगे सिर्फ बेइज्जती ना, कोई नहीं मिले, वैक्सीन और नंबरी को दुश्मन ही लगता है, पर्सनल दुश्मन ही, 2-3 जगह पे, और लास्ट में भाई वो हमें अपनना नहीं वाली थी तब हमारा ब्रेकअप हो गया, उठते हैं और चाय का सेवन करते, बहुत थक गए, ये वैक्सीन ने तो वाट लगा दिया,
उससे वैक्सीन से एनर्जी आती है, यहाँ एनर्जी डाउन कर दी, बहुत आरामी है भाई कि नहीं लग पाए, पर यहाँ से इनका ये एनर्जी क्या बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक इनके चक्कर में यहाँ वहाँ इतना भटकना पड़ा, वो बाइक चलाओ तुम्हें पता है रास्ते, मैंने तुम सबने तो वीडियो में सब कुछ देखा ही है, तो इतना थके यार हाथ लग गए, पूरा पूरा का पूरा बॉडी सभी को दर्द कर रहा है, कुछ नहीं किए तो भी, अभी तो वैक्सीन लगी भी नहीं उसके पहले दर्द वर्द अलग यार है। अरे क्या ये इसको एनर्जी ड्रिंक बोल दिया, इतना नींद में था, चाय पीते फिर मिलते। वैक्सीनेशन उसने बड़े भाई की लीव हॉलीडे वेस्ट हुई, मेरा वो मेरा तो चलो कोई वेस्ट नहीं हुआ, मेरा तो ब्लॉग बन गया, बट मेरा थोड़ा काम थे वो अटक गए, मम्मी थक गए, पापा थक गई, जल्दी साला किसी की भी नहीं है, फिर भी भुगतना पड़ा। सच में तुमने देखा ना एकदम एंड तक, मतलब हमारा अभी बुलाने ही वाले और हम ऑफलाइन में सिर्फ दो तीन ही लोग बैठे हुए, नसीब इल्ले भाई मज़ा नहीं आया आज, डीमोटी साला दीनी ऐसा है कुछ लफड़े वाला, अभी काम करे कि यार मेरा नेट भी एग्जॉस्ट हो गया, अभी नेट के बगैर तो भैया हमारा धंधा थोड़ा ठप हो जाता है, अभी यार नेट के बगैर सोच रहा हूँ आज ब्लॉग जल्दी एडिट कर लूँ, पर काम अटक जाएगा अफसोस होगा, बट कोई नहीं दिन कठिन तो जा रहे हैं, कोई बात। अभी बजे 7:30, नेट तो हो गया एग्जॉस्ट, तो भक्ति में हो जाते लीन जी। माता जी प्रणाम प्रणाम। काम करते करते ये मुझे बात पता चली और मैं एकदम थक गया था, तो पापा भी ऊपर गए तो बोल देता हूँ, उन्होंने बोला कि बेटा कब से काम कर रहा है, थक जाएगा, आराम कर ले। मैंने सोचा कि आज थोड़ा मेरा काम थोड़ा नहीं हुआ, तो मैंने यही बात सोची कि डेडिकेशन इज़ ओनली व्हाट यू कैन गिव, अपना दिल से पूरा दे दो, फिर होगा नहीं होगा उसका तो फिर वो संभाल लेंगे, बाकी तो अपना चलते रहता है। आज काम नहीं हुआ तो एकदम बॉडी पूरी वीक हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि ओ हो वैक्सीन ने करा लफड़ा काम से थोड़ा नाता तोड़ के भूल उतरेता लोग के बाद सच में आज ऊपर जाया जाएगा, घूमा जाएगा, टाइम पास करते, चलो एडिटिंग ऊपर ही करते। अभी बजे है कुछ 8:31 और मैं अभी तक यहीं पे हूँ ऊपर ही, 7:30 बजे से लेके अब तक ना कोई काम किया है, ना कोई एडिटिंग, कुछ नहीं, बस बातें ही किए। अब चलते नीचे टीएम, क्या बोलते टीएम के ओसी, उसका मज़ा लेते, पर यार अफसोस होगा कुछ किया नहीं जिंदगी, ए आज के दिन का 1 घंटा बिगाड़ दिया कोई नहीं चलो ऐसा चलते रहता है जिंदगी, है थोड़ा थोड़ा सह लेते, बाकी वक्त जिंदगी भर रहेगा कोई साथ, ये है थोड़ा मुश्किल इस ज़माने में, साथ निभाना साथ देना थोड़ा है कठिन, जिंदगी में चलना है आगे तो गमों से रहना पड़ेगा दूर, ढूंढते रहोगे कोई अपने की तलाश में तो हो जाओगे खुद से दूर, जो अपने रहेंगे जो साथ देने वाले रहेंगे वो रहेंगे हर पल हमारे साथ, कठिनाई हो या फिर कोई हो दुख नहीं जाएंगे छोड़ हमें, वो उनसे हमें दूर वो रहेगा हर पल पास, चाहे सुख हो या दुख, दुख में भी आ जाएगा वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के, बिना बताए मन की बात जान लेगा और कर देगा सारी मुश्किलें हल पल भर में। समझनी हम सबको एक बात, जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले पर हमेशा रखना है साथ देने वाले को ही पास, पर एक बात ज़रूर कहूँगा जाते जाते, जो होते हैं अपने कर दे दगा एक बार और माफ़ी मांग के आ जाए फिर से वापस, माफ़ी देनी चाहिए ऑफ कोर्स, पर वो हो जाता है दुश्मन से भी थोड़ा खास, क्योंकि अपने ही कभी कभी भी वो हो जाते हैं। सो इसी की तरह व्लॉग 46 करते हैं यहीं समाप्त, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, डू शेयर दिस वीडियो विथ फैमिली फ्रेंड्स एंड और
आते रहना तुम्हें कसम है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और यहाँ पे रोज़ आना। कमाल धमाल बवाल एकदम अनलिमिटेड मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मुस्कान दी जाएगी, दिल की बात तुम्हें बताया जाएगी, हो सकता है तुम भी मेरे जैसे मुझसे कनेक्ट कर पाओ। सो कीप कमिंग, कीप सपोर्टिंग और आते रहना, भूलना नहीं, रोज़ आना। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम तो इल्ले है कुछ नहीं। जय माता। रुमाल सुबह छोड़ के गया तो अभी भी यही घूम रहे बेचारा लावर। चल भाई चल। डेस्टिनेशन रीच्ड, गोल चुई वाह।